इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। हेलो आदाब बीबीएन चैनल के प्रोग्राम सितारों की आपबीती को लेकर मैं आपकी होस्ट खैर फिर हाजिर हूँ। हमेशा की तरह आज भी एक ऐसे ही कलाकार की जिंदगी की पूरी दास्तान जानेंगे, तो चलिए आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम सितारों की आपबीती। आज प्रोग्राम सितारों की आपबीती में एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने फिल्मी दुनिया की चाहत नहीं की थी, लेकिन शायद किस्मत उन पर मेहरबान थी, इसीलिए वो फिर भी एक्टर बन गए। और जब कामयाबी ने एक बार उनका हाथ थामा तो फिर कभी उन्हें पीछे मुड़कर देखने नहीं दिया। बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें प्यार से दादा मुनि के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सदाबहार एक्टर अशोक कुमार की। फिल्मी दुनिया के सबसे शर्मीले हीरो माने जाने वाले दादा मुनि के नाम से मशहूर कमोद कुमार गंगोली उर्फ अशोक कुमार की पैदाइश बिहार के भागलपुर शहर में 13 अक्टूबर 1911 को एक मिडिल क्लास के बंगाली खानदान में हुई थी। अशोक कुमार ने अपनी इब्तदाई तालीम खंडवा शहर से मुकम्मल की। इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन की तालीम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की, जहां उनकी दोस्ती शशाधर मुखर्जी से हो गई जो उन्हीं के साथ पढ़ा करते थे। अशोक कुमार ने गुर्बत के कड़े दिन देखे थे, मगर उन्होंने सारी जिंदगी अपने दोनों छोटे भाइयों किशोर कुमार और अनूप कुमार को कभी इसका एहसास तक न होने दिया। बल्कि सच पूछिए तो इन दोनों की किरदार साजी और कामयाब आदमी बनाने में अशोक कुमार ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। हालांकि इनकी जाती जिंदगी में नाकामियों के साए दूर दूर तक फैले हुए थे। उनकी बीवी शोभा से जिंदगी भर उनके इख्तलाफात रहे। शोभा मैनोज थी, यानी शराब की एडिक्ट थी, जबकि अशोक उनकी ये आदत छुड़ाना चाहते थे, लेकिन इख्तलाफात थे कि खत्म होने में ही ना आते थे। अशोक कुमार 1936 में अपने आबाई शहर कोलकाता से नौकरी की तलाश में मुंबई आए, जहां बॉम्बे टाकीज नामी फिल्में बनाने वाली कंपनी में उन्हें लैब असिस्टेंट के ओहदे पर रख लिया गया। अशोक कुमार ने 1936 में बॉम्बे टॉकीज के फिल्म जीवन नैया से बतौर एक्टर अपनी फिल्मी सफर का आगाज किया। इस फिल्म में हीरो बनने के पीछे भी काफी दिलचस्प कहानी है। एक रोज डायरेक्टर हिमांशु राय मायूस से स्टूडियो में बैठे हुए थे। उनकी एक फिल्म की शूटिंग मुंबई टॉकीज के तहत ही हो रही थी, मगर मसला ये था कि फिल्म के हीरो नजम हुसैन उन्हें बगैर बताए कहीं चले गए थे, लिहाजा उन पर झुंझुलाहट सवार थी कि इसी दौरान उनकी नज़र अशोक कुमार पर पड़ी और तभी उन्होंने फैसला करते हुए अशोक कुमार से कह दिया कि अब इस फिल्म के हीरो तुम ही हो। ये फिल्म थी जीवन नैया। उन्होंने नए सिरे से फिल्म की शूटिंग शुरू की और यूं अशोक कुमार एक्सीडेंटल हीरो बन गए। इस फिल्म में अशोक कुमार ने अपनी आवाज में एक गाना भी गाया जिसके बोल थे कोई हमदम ना रहा। बाद में अशोक कुमार के भाई किशोर कुमार ने 1961 में फिल्म झुमरू में यही गाना रिवाइव किया था। न रहे कोई हमारा। आप सोच रहे होंगे कि अशोक कुमार हीरो बन गए तो उनके घर वालों ने बड़ी खुशियां मनाई होगी और अशोक कुमार की जिंदगी एकदम खुशहाल हो गई होगी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। अशोक कुमार के हीरो बनने के बाद उनके घर कैसा कोहराम मचा, आइए आपको बताते हैं। फिल्म में एक्सीडेंटल हीरो बने अशोक कुमार के घर वालों को जब इस बात का पता चला तो उनके घर में कोहराम मच गया। इसके साथ ही उनकी पहले से तय शादी भी टूट गई। उनके पिता अपने दोस्त के पास गए और अशोक कुमार के लिए नौकरी मांगी। उनके दोस्त ने अशोक कुमार के लिए दो नौकरियों के ऑफर लेटर दिए। एक नौकरी थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट की, जिसकी मंथली सैलरी थी 250 रुपये। इस नौकरी के ऑफर से अशोक कुमार के पिता काफी खुश हो गए और फौरी अशोक कुमार के पास जाकर उनसे एक्टिंग छोड़कर ये नौकरी करने को कहा।
बेहद परेशानी के आलम में अशोक कुमार नौकरी के ऑफर लेटर के साथ डायरेक्टर हिमांशु राय के पास गए और कहा कि उनके पिता यानी वालिद बाहर खड़े हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। इसके बाद राय ने उनके पिता को समझाया और फिर वो मान गए। थोड़ी देर बाद अशोक कुमार के पिता ने ऑफर लेटर फाड़ दिया और इस तरह अशोक कुमार ने राहत की सांस ली। अगरचे अशोक कुमार बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थे और ना ही उनमें हीरो जैसी कोई खूबी थी, मगर एक बार काम शुरू किया तो कामयाबी उनके कदम चूमती चली गई और अगले 50 सालों तक फिल्मी आसमान पर छाए रहे। अशोक कुमार सब कुछ भूल सकते थे लेकिन सुबह का नाश्ता नहीं। उनका कहना था कि पूरे दिन की कड़ी मेहनत करने के लिए ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। बॉलीवुड अदाकार अशोक कुमार की छवि अगरचे एक सदाबहार एक्टर की रही है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वो फिल्म इंडस्ट्री के पहले ऐसे एक्टर रहे जिन्होंने एंटी हीरो का किरदार भी अदा किया था। 1940 की दहाई में अदाकारों की इमेज रिवायती एक्टर की होती थी, जो रोमानी यानी रोमांटिक और साफ सुथरे रोल किया करते थे। साल 1939 यानी 1939 में आई फिल्म आंगन, बंधन और झूला में अशोक कुमार ने लिली चटनीस के साथ काम किया। इन फिल्मों में उनकी कारकर्दगी को नाजरीन ने बहुत पसंद किया। अशोक कुमार फिल्म इंडस्ट्री के पहले ऐसे एक्टर रहे जिन्होंने अदाकारों के रिवायती स्टाइल को तोड़ते हुए फिल्म किस्मत में एंटी हीरो का किरदार अदा किया था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कामयाब फिल्मों में बॉम्बे टॉकीज की साल 1943 में फिल्म किस्मत में अशोक कुमार ने ये एंटी हीरो का रोल निभाया था। इस फिल्म ने कलकत्ता के चित्रा थिएटर सिनेमा हॉल में मुसलसल 196 हफ्तों तक चलने का रिकॉर्ड बनाया था। एक ऐसे वक्त जब अशोक कुमार फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी का सफर कर रहे थे, तब उन्होंने एक फैसला लिया। वो फैसला था खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू करने का। अशोक कुमार का यह फैसला सही साबित हुआ या नहीं, आइए देखते हैं। 50 की दहाई में बॉम्बे टॉकीज से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी ही प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। अशोक कुमार प्रोडक्शन के बैनर तले उन्होंने सबसे पहले फिल्म समाज बनाई, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। इसके बाद उन्होंने अपने ही बैनर तले फिल्म प्रहनीता बनाई। तकरीबन 3 साल बाद फिल्म प्रोडक्शन के शोबे में नुकसान की वजह से उन्होंने अशोक कुमार प्रोडक्शन कंपनी बंद कर दी और फिर साल 1953 में आई फिल्म परिणीता की शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर बिमल राय के साथ उनकी कहा सुनी हो गई। इसके बाद अशोक कुमार ने बिमल राय के साथ काम करना बंद कर दिया, लेकिन एक्ट्रेस नूतन के कहने पर अशोक कुमार ने एक बार फिर बिमल राय के साथ साल 1963 में आई फिल्म बंदनी में काम किया और ये फिल्म हिंदी फिल्म में तारीख की क्लासिक फिल्मों में शुमार की जाती है। अदाकारी में इकसानियत से बचने के लिए उन्होंने कैरेक्टर एक्टर के तौर पर खुद को मुख्तलिफ रोल्स में पेश किया और साल 1958 में आई फिल्म चलती का नाम गाड़ी में उनकी एक्टिंग का नया रूप लोगों को देखने को मिला। सौ बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। इस कॉमेडी फिल्म में अशोक कुमार की एक्टिंग बेमिसाल बन गई। साल 1968 में आई फिल्म आशीर्वाद में अपनी बेमिसाल अदाकारी के लिए वो बेहतरीन एक्टर के नेशनल अवार्ड से नवाजे गए। इस फिल्म में उनका मशहूर नगमा रेलगाड़ी बच्चों के दरमियान बहुत मकबूल हुआ। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। साल 1967 में रिलीज फिल्म ज्वेल थीफ में नाजरीन को अशोक कुमार का एक नया चेहरा नजर आया। इस फिल्म में वो अपने फिल्मी करियर में पहली मर्तबा नेगेटिव रोल में नजर आए। अपने इस रोल के जरिए बहुत फेमस हुए और इस फिल्म के साथ साथ अशोक कुमार के इस नेगेटिव रोल को भी काफी पसंद किया गया। अशोक कुमार ने 50 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। उस दौरान उन्होंने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हमेशा एक सुलझे हुए इंसान की तरह उन्होंने हर बुरे और सख्त आजमाइश के दिनों में यकीन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और हंसते मुस्कुराते हर परेशानी से बाहर निकल आए।
साल 1984 में दूरदर्शन की तारीख में अशोक कुमार एक नया सीरियल लेकर आए जिसका नाम था हम लोग। ये सीरियल काफी हिट रहा और इस सीरियल के जरिए अशोक कुमार बेपनाह मशहूर हुए। फिल्मों के अलावा अशोक कुमार ने छोटे पर्दे पर भी व्यूअर्स को बेहद एंटरटेन किया। दूरदर्शन के लिए ही अशोक कुमार ने भीम भवानी, बहादुर शाह जफर और उजाले की ओर जैसे सीरियल में भी अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए। अशोक कुमार ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अछूत कन्या, किस्मत, चलती का नाम गाड़ी, खूबसूरत और खट्टा मीठा उनकी कामयाब तरीन फिल्में ठहरी। इनकी खिदमात के एतराफ के तौर पर उन्हें 4 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड, दादा साहब फाल्के और पद्म भूषण जैसे बड़े और मशहूर तरीन अवार्ड से नवाजा गया। 13 अक्टूबर 1987 को यानी खुद अशोक कुमार के जन्मदिन उनके छोटे भाई किशोर कुमार की मौत हुई थी। किशोर कुमार अशोक कुमार की 76वीं सालगिरह की तकरीब में शरीक थे कि अचानक उन्हें सीने में दर्द की शिकायत महसूस हुई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। किशोर कुमार की मौत के बाद अशोक कुमार मजीद 14 सालों तक जिंदा रहे, लेकिन इस वाक़े के बाद फिर कभी अशोक कुमार ने अपनी सालगिरह नहीं मनाई, बल्कि जब भी उनकी सालगिरह आती किशोर कुमार की यादें ताज़ा कर जाती और वो सिर्फ मलाल करके ही रह जाते। आखिरकार मौत का फरिश्ता उन्हें भी अपने साथ ले गया। तकरीबन 6 दहाइयों पर मुश्तमिल अपने बेमिसाल फिल्मी करियर से नाजरीन के दिलों पर हुकूमत करने वाले अशोक कुमार 10 दिसंबर 2001 को हमेशा के लिए सबको अलविदा कह गए। जब भी किसी से मिलते तो चेहरे पर मुस्कुराहट और संजीदा रहते तो हाथों में सिगार, ये दोनों चीजें दादामुनि की पहचान बन गए थे। दादामुनि या अशोक कुमार, ये वो नाम है जो बॉलीवुड की किताब में सुनहरे अल्फाज से दर्ज है। उम्मीद करते हैं बॉलीवुड की इस अजीम हस्ती की जिंदगी की पूरी दास्तान को समेटता हमारा ये प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। BBN चैनल के प्रोग्राम सितारों की आपबीती के अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात एक नई हस्ती के साथ। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज भी ना भूले। फिलहाल आपकी होस्ट खैर को इजाजत दीजिए, देखते रहिए BBN चैनल।